हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FY BCom के एग्ज़ाम्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ स्टूडेंट्स ने ये रिपोर्ट की थी कि हमारी FY BCom के एग्जामिनेशन IPCC के एग्जामिनेशन के साथ क्लैश हो रही है, जिसके रिगार्डिंग में यूनिवर्सिटी ने एक सर्कुलर रिलीज़ किया था और कहा था कि आपको उस सर्कुलर में दिए गए गूगल फॉर्म में आपकी डिटेल्स भरनी है। साथ ही साथ अगर आप IPCC के एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसका एडमिट कार्ड भी वहाँ पर आपको अपलोड करना होगा और उसके बेसिस पर आपको वहाँ पर सेकेंड चांस दिया जाएगा। अब यूनिवर्सिटी ने इससे रिगार्डिंग में FY BCom के स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल रिलीज़ कर दिया है। यहाँ पर उन्होंने टाइम टेबल में सारी चीज़ें डिस्कस की है, सारे के सारे पैटर्न्स को डिस्कस किया। उन्होंने कहा है कि MCQ पैटर्न में आपकी एग्जामिनेशन होगी, आपको एक घंटे का ड्यूरेशन दिया जाएगा और एग्ज़ाम 50 मार्क की होने वाली है और आपका जो पेपर है वो 17 दिसंबर से शुरू होने वाला है। ठीक है, 17 दिसंबर से आपका शुरू होने वाला है, 24 दिसंबर तक आपका पेपर चलने वाला है और इसमें जो टाइम आपको अलॉट किया गया है वो 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का होने वाला है। यानी 1 बजे से पहले आपको लॉगिन कर लेना है, क्रेडेंशियल्स आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको भेज दिया जाएगा, उसी के बेसिस पर आपको एग्जामिनेशन देना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको जानकारी पसंद आती तो लाइक करो, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर ज़रूर बने रहिए, क्योंकि इसी तरीके के आइडल से रिलेटेड अपडेट मैं अपने चैनल पर रेगुलर बेसिस पर लेकर आता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जानकारी पसंद आएगी। जानकारी पसंद आती तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।